दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2। दोस्तों, ये फिल्म सिनेमाघरों में पूरे के पूरे 14 दिन कंप्लीट कर चुकी है। तो वही दोस्तों, आज इस फिल्म को पूरी दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 15वां दिन चल रहा है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि दोस्तों, ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर पूरी तरह से ऐतिहासिक कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म की, आज यानी 15वें दिन के इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में जानेंगे कि दोस्तों, इस फिल्म का पूरे 15 दिनों में टोटल इंडिया से इंडिया ग्रोस ओवरसीज और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए करीब कलेक्शन हो रहा है। वहीं दोस्तों, जानेंगे इस फिल्म के बजट के बारे में, जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, सुपर हिट रही, ब्लॉकबस्टर रही या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों, बस आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। वाकई में दोस्तों, स्त्री 2 फिल्म जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ ये कमाई कर रही है, वाकई में दोस्तों उसे देखकर बिल्कुल कह सकते हैं कि साल 2024 की ये फिल्म सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। दोस्तों, सबसे बड़ी फिल्म तो बन चुकी है, ये कह सकते हैं कि इसका इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए किसी फिल्म को आने वाली किसी भी फिल्म को एक बार नहीं बल्कि हजार बार सोचना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि दोस्तों इस फिल्म का उतना बड़ा रिकॉर्ड बन ही चुका है कि दोस्तों वाकई में किसी भी फिल्म को इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, साल 2024 की ये फिल्म हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें फिल्म की आज यानी 15वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता चलूं कि जहां फिल्म ने अपने रिलीज के ओपनिंग डे पर 60 करोड़ 30 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई कर ली थी, तो वही फिल्म का हमें इंडिया से ग्रोस कलेक्शन देखने को मिला था ओपनिंग पर 72 करोड़ 40 लाख रुपए करीब। तो वही फिल्म ने ओवरसीज से कमाई की थी ओपनिंग डे पर 7 करोड़ 60 लाख रुपए करीब। तो वही फिल्म का हमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखने को मिला था ओपनिंग डे पर 80 करोड़ रुपए करीब। दूसरे दिन फिल्म ने 31 करोड़ 40 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वही दोस्तों, तीसरे दिन फिल्म का हमें कलेक्शन 44 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। चौथे दिन फिल्म का हमें कलेक्शन लगभग 55 करोड़ 90 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। तो वही दोस्तों, बता दें कि अपने रिलीज के 5वें दिन फिल्म ने लगभग 38 करोड़ 10 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वही दोस्तों, 6वें दिन फिल्म का हमें कलेक्शन 25 करोड़ 80 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। तो वहीं अपने रिलीज के 7वें दिन फिल्म ने लगभग 19 करोड़ 50 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वहीं दोस्तों, 8वें दिन फिल्म का हमें कलेक्शन 16 करोड़ 80 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। तो वहीं अपने रिलीज के 9वें दिन फिल्म ने 17.5 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। 10वें दिन फिल्म का हमें कलेक्शन 33 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। तो वहीं 11वें दिन फिल्म का हमें कलेक्शन 42 करोड़ 40 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। 12वें दिन फिल्म ने 18.5 करोड़ रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वहीं 13वें दिन फिल्म का हमें कलेक्शन 11 करोड़ 75 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। तो वही दोस्तों, अपने रिलीज के 14वें दिन फिल्म ने लगभग 9 करोड़ 17 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वही दोस्तों, आज यानी अपने रिलीज के 15वें दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ ही कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज यानी अपने रिलीज के 15वें दिन फिल्म स्त्री 2 10 करोड़ 11 लाख रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, याद रहे कि 15वें दिन फिल्म 10 करोड़ 11 लाख रुपए करीब फाइनल इंडिया से नेट कमाई कर रही है। दोस्तों, ये डाटा बिल्कुल रफ और प्योर है। वही दोस्तों, बता दें कि फिल्म का पूरे 15 दिनों का हमें टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से नेट देखने को मिल रहा है लगभग दोस्तों 436 करोड़ 57 लाख रुपए करीब। तो वही फिल्म का हमें इंडिया से ग्रोस कलेक्शन देखने को मिल रहा है पूरे 15 दिनों में टोटल लगभग दोस्तों 526 करोड़ रुपए करीब। तो वही फिल्म का हमें ओवरसीज कलेक्शन देखने को मिल रहा है पूरे 15 दिनों में टोटल 100 करोड़ रुपए करीब। तो वही फिल्म वर्ल्ड वाइड से कमाई कर रही है पूरे 15 दिनों में टोटल लगभग दोस्तों 622 करोड़ 48 लाख रुपए करीब, जो की दोस्तों तारीफ करनी पड़ेगी इस फिल्म की। वाकई में दोस्तों, इस फिल्म ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया, यकीन नहीं करेंगे की दोस्तों ये फिल्म 50 करोड़ रुपए के भारी बजट में बनी ही है। दोस्तों, भारी बजट तो नहीं कह सकते, नॉर्मल बजट कह सकते हैं। 50 करोड़ रुपए के नॉर्मल बजट में ये फिल्म बनी हुई है और देख सकते हैं कि ये फिल्म कितना बड़ा रिकॉर्ड बना चुकी है। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर फिल्म की स्टोरी, फिल्म में किरदारों की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ऑडियंस को पसंद आता है तो दोस्तों वही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाती है। और यही वजह है कि दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर घोड़े की तरह दौड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, घोड़े की तरह दौड़ रही है और कहीं ना कहीं दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। वैसे दोस्तों, क्या आप लोग इस फिल्म को देख चुके और आपको ये फिल्म कैसी लगी, हमें कॉमेंट्स में अपनी अपनी राय जरूर से बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी करोड़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।